अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। अच्छा जी, आज के दिन की अपडेट्स ये हैं कि मैं और मेरा भाई राजा हम दोनों जा रहे हैं बार्बर शॉप। और बार्बर शॉप जाके कह लो कि ज़रा सेटिंग करवानी है, क्योंकि आज है कज़न का वलीमा, वहाँ पर जाना है हमने शाम को इस्लामाबाद दारामादा होटल। और ऑब्वियसली साथ साथ जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। जी अभी इस टाइम मैं आया हुआ हूँ जनाब शेरगुल शेख साहब की शॉप पर। मैंने सोचा सारी शॉप्स पे जा रहे हैं, शेख साहब की शॉप पर ना आए तो ये ज़्यादती होगी। तो अभी जनाब मैं शेख साहब की शॉप पे आया हुआ था। इनकी शॉप का नाम है फिक्स प्राइस शॉप, और ये शॉप है बिल्कुल अपोजिट गुम्बद वाली मस्जिद के। जेल नंबर गुम्बद वाली मस्जिद, आप किसी से भी पूछो तो आपको बता देंगे। ये सामने है मस्जिद। अच्छा जी, ये अभी अंदर मुलाकात हुई थी शेख साहब से के भाई से, और उसके अलावा शेख साहब के कज़न वगैरह से। डन हो गया, आ गए हो, आ गए हो। अच्छा जी, हेयर कट करवानी थी वो तो हो गई है। अभी हम जा रहे हैं वापस घर। गाड़ी वाले को तकरीबन 4 बजे का हमने टाइम दिया हुआ है, और अभी 3:30 बजे का टाइम हो गया, तो थोड़ा सा टाइम बाकी है। जल्दी जल्दी से जाके रेडी होते हैं, क्लोथ चेंज करते हैं, एंड देन ऑल द वे टू इस्लामाबाद रमादा होटल। अच्छा जी, यहाँ हम अपने फ्रेंड की बेकरी पे आए हैं। ये रहे हमारे द फेमस दोस्त। क्या हाल चाल, ठीक हो? ठीक है। ये जी हमारे चौधरी निकास साहब हैं, इनकी बेकरी है। और जनाब अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप इस बेकरी पर आके ले सकते हो। ज़रूरत की तकरीबन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पर्ल बेकरी इस तरफ कचहरी रोड, ये कचहरी रोड है, सीधा पुलिस लाइन कचहरी रोड से आओ तो इस तरफ है सामने, बिल्कुल ये सामने चौक है। और अगर इस तरफ जाओ जनाब, ये बिलाल टाउन रोड जा रही है। बिलाल टाउन से ये सीधा सिविल लाइन रोड स्टार्ट हो जाती है, सिविल लाइन रोड जो टच हो रही है। तो ये सामने जनाब बेकरी है, ये द पर्ल बेकर्स। बारा जी, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए था तो अपने लिए यहीं से मैं लेके फिर अभी सीधा घर चलता हूँ। चीज़ें चाहिए थी वो ले लिया घर के लिए, स्पेशली ये मिल्क एंड बॉटल्स, और स्पेशली ये नेस्ले मिल्क। बाकी और कोई चीज़ चाहिए हो तो आके ले लेंगे। बाकी अंदर रहा सब निकास साहब निकाल कपड़े लगा रहे हैं, तो अभी बारह जी चीज़ें पैक करते हैं और सीधा चलते हैं घर। अच्छा जी, इस टाइम पर रुका हूँ मैं जेहलम कचहरी के पास। जहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है। 5 ईयर्स पहले यहाँ पर इस तरह की क्राउड नहीं थी होती, और इतने ज़्यादा बाइक तो कभी नहीं थे नज़र आए। पर अब थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, वे भी पार्किंग उन्होंने अंदर ख़त्म कर दी हो। अच्छा जी, घर में जो है डेकोरेशन का सिस्टम वो फुली ऑन है, और अभी भी भाई जो है घर को अंदर से डेकोरेट करने में बिजी हैं। बहरहाल जी, हम अपनी तैयारी करते हैं वलीमा फंक्शन अटेंड करने की। अच्छा जी, अभी तो रेडी हो गया मुस्तफ़ा। मैंने कोट इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुस्तफ़ा कहता है जनाब इसको हमेशा मैं उठा के रखूँ तो मेरे कपड़े गंदे कर देगा। बहरहाल जी, अभी जाने लगे हैं सीधा रमादा होटल इस्लामाबाद। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, और अभी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। बाकी यहाँ पर डेकोरेशन का जो काम है वो कंटिन्यू है, यहाँ पर वर्कर्स जो हैं अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल जी, अभी फैमिली के साथ निकलने लगे हैं। अच्छा जी, अभी रमादा होटल इस्लामाबाद हम पहुँचे हैं। तकरीबन हमें 2 आवर्स लगे हैं पहुँचने में, और मुस्तफ़ा खान ने बहुत ही ज़्यादा कह लो कि टाँग किया, पर मैं तो रेडी हो गया जैसे कि आप देख सकते हो। अभी आगे चलते हैं। जनाब हमारे कज़न हैं साद भाई। He's got muscles. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
ये है हमारे आदिल भाई। अच्छा जी, ये रहा स्टेज, बाकी अभी सब ऊपर खाला खाला चले गए हैं। और आपको मैं कह लो कि पलीबा के ज़्यादा सील दिखा नहीं सका, उसकी रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसकी क्या वजह हुई है और मैं आपको क्यों नहीं ज़्यादा दिखा सका। मुस्तफ़ा खान ऐसा कोई नोटी बच्चा है जनाब, इसने आज मुझे बहुत तंग किया। एक तो कह रहा है कि मैंने उतरना नहीं है मुझे अठाईर को कंटिन्यूसली, और दूसरा कह रहा है कि मुझे सोना भी नहीं है और कहते मैंने सोना भी नहीं है, तो कब से मैंने उठाया हुआ है, सारे ऊपर खाना खाने गए हुए हैं, तो अब भी इन द एंड मैं भी जा रहा हूँ। अरमादा होटल के रूफ टॉप पर फुल टाइम सीन ऑन है फूड का, और जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं फूड अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं, और सामने कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, जैसा कि सामने आपने शुरू में के ब्लॉग में देखा होगा नकाश, जिसकी हम बेकरी पे गए थे, वो भी सामने बैठा हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिशेज़ हैं, आपको साथ साथ आगे दिखाते हैं। ये हमारे साथ भाई हैं, ये हमारे बहुत ही प्यारे कज़न हैं, ये पिंडी होते हैं, और मैंने कहा आपसे आपका तारुफ करा दें हमारे ब्लॉग में। सही है। और साथ भाई सब ठीक ठाक, फूड कैसा लगा आपको? जबरदस्त। सही सही, एंजॉय करें। We've got that here. And then what is that? That's halwa. You've got roasted vegetables. I don't know what that is. That's another curry. You got that there. And egg fried rice, one of my favorite. And then you've got that. And then you've got like basically all sorts of food. It's like a buffet in Ramada Hotel, Islamabad. Thank you. Aur saath mein de de do. Chale ek de de bete. Kitna modi? Ek de de, ek piece. बाकी इधर जो लाइव बारबेक्यू का सीन चल रहा है ना, वो बहुत ही कमाल का लग रहा है, इसीलिए मैं पहली चीज़ जो की है पहले आया हूँ यहाँ पर बारबेक्यू ट्राई करने के लिए। बहरहाल अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट वाइज कैसा है। अपने लिए मैंने चिकन कौरमा ले लिया खाने के लिए, और साथ में यहाँ पर मैंने उनसे पूछा था तो ये क्या है तवा पर, तो उन्होंने बताया ये मटन मगज़ है, और यहाँ पर फ्रेश रोटियाँ जो हैं ये भी काफ़ी कह लो कि अच्छी लग रही हैं, टेस्टी लग रही हैं देखने में। अभी बार टेस्ट करके चेक करते हैं ये सब, फिर पता चलेगा। अभी मेरा दिल है एक पीस रसगुल्ले का रखे इधर, बिल्कुल एक पीस, सिरप ना रखो ऐसे ही, सिर्फ एक पीस इधर रखो ये चीज़, और साथ में थोड़ा सा ये रबड़ी का, ये कह लो सिर्फ रबड़ी डालते हैं ऊपर, फलूदा हम नहीं डालेंगे। ये हमारी फुल वाइट प्लेट तैयार हो गई है। बाकी यहाँ इंट्रेंस पर ही पॉपकॉर्न का एक टेबल लगा हुआ था जो देखने में काफ़ी ज़्यादा नाइस लग रहा था, यहाँ पर बच्चे आके ट्राई कर रहे थे, और उसके अलावा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भी टेबल था, और ये सौंफ वगैरह लगे हुए थे खाने के बाद ट्राई करने के लिए। एक और चीज़ जो नज़र आई है वो नज़र आई है गोलगप्पों का टेबल। अभी मैं तमीना को लेके आया हूँ, तो यहाँ पर मेरा दिल है यहाँ पर ये ज़रा गोलगप्पे ट्राई करें, और देखते हैं उसके अलावा और क्या करेंगे। सिस्टर की शादी है जैसा कि आपको पता ही है, तो यहाँ पर कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी हमने कैरी ऑन किया हुआ है, तो अभी ये एक वन ऑफ द फैमिली के लिए हमने कार्ड लिखा है, तो मैं और तमीना देने जा रहे हैं। तमीना ये तुम दो कार्ड, ये आपका कार्ड, और ये ऑन 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 रिकॉर्ड आ गया, ये मिस्टर एंड मिसेस उमर। अच्छा जी, ये सामने बैठे हुए हैं मेरे ताया। ठीक से निज़ाम पापा फिर आज? सही है सही है सही है सही है, हाँ वही ना, हाँ। बाकी व्यूवर्स, इस टाइम है हम रमादा होटल मरी रोड, और यहाँ पर आते हुए अगर आप देखो बाय जो मरी रोड है, यहाँ पर आते हुए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, लेकिन द गुड थिंग इज़ अभी 10:30 अराउंड 10:30 11 ओ क्लाक तक का टाइम हो चुका है, और अब ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि हमने वापस जेलम में जाना तो वापसी प्रॉब्लम नहीं होगी।
जाते जाते ज़रा ये सौंफ ट्राई करते हुए जाते हैं यार, बाकी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अभी हम वापस जाने लगे हैं झेलम की तरफ, अपने घर की तरफ। और ये थोड़ा नाइट व्यू रमादा होटल का। और अभी एक और अपडेट है, हमें अभी कॉल आई थी डेकोरेशन वाले की तरफ से, जो कि घर में डेकोरेशन कर रहा है क्योंकि कल है निकाह की सेरेमनी। उसने कहा जी सब कुछ रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, और आप आकर देख सकते हो। तो हमें यहाँ से तकरीबन लगेंगे 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में झेलम तक। तो अभी बहरहाल चलते हैं झेलम और वहाँ पर जाके डेकोरेशन देखते हैं कैसी हुई है। और अभी जनाब हो गया है रात का तकरीबन 2:45 का टाइम, और हम पहुंच चुके हैं वापस झेलम सिटी। और घर बेहतरीन माशाल्लाह से लग रहा है, सारी डेकोरेशन ओके हो गया जैसा मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है। और मैंने इनको कहा था कि ट्रीज़ को भी सही तरह से कवर करना, वो भी उन्होंने किया है। इस तरफ भी लाइटिंग सारी ओके हो गई है। अंदर की जो डेकोरेशन है वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊँगा इंशाल्लाह। बाकी अभी जो बाहर की आउट लुक है घर की, घर से बाहर का व्यू ज़रा जो है इस तरह का आ रहा है। चेयर्स रेडी हैं कल के फंक्शन के लिए, बाकी इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग रेडी है। चले जी, इसी के साथ होगी मुलाकात आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग है जो कि निकाह का। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।